2022 में चुनावी राजनीति तेज होने लगी है। एक तरफ जहां भाजपा मिशन रिपीट का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी मिशन रिपीट करने के लिए जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। कल 23 जून को पुलिस ग्राउंड में भाजपा का त्रिदेव सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें करीब 7000 बूथ पालक भाग लेने वाले हैं। वहीं आज त्रिदेव सम्मेलन की अंतिम तैयारियों को लेकर त्रिदेव सम्मेलन के प्रभारी राजीव बिंदल, स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल और पार्टी उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया ने पुलिस ग्राउंड का दौरा किया। मीडिया को जानकारी देते हुए राजीव बिंदल ने कहा कि क्षेत्र के त्रिदेव सम्मेलन की तैयारियों की दृष्टि से आज ये अंतिम राउंड का कार्य चल रहा है। आदरणीय डॉक्टर राजीव सहजल जी, माननीय मंत्री और हमारे शिमला पार्लियामेंट के प्रभारी, हमारे प्रभारी गुलेरिया जी जो कि प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, इनके और दिशा निर्देश में हम सब लोग इस कार्य के अंदर लगे हैं। आज हमारे साथ युवा मोर्चा के अध्यक्ष अमित जी हैं, महिला मोर्चा की अध्यक्षा श्रीमती रश्मिधर सूद जी हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष पायल वैद्य जी हैं और हमारे जिला के अध्यक्ष और हमारे यहाँ के स्थानीय उम्मीदवार डॉक्टर राजेश कश्यप जी, ऐसे बहुत बड़ी टीम आपने अपने कैमरे में संजोई है। अलग अलग विभाग बनाए गए हैं, मंच की दृष्टि से अलग विभाग है, साज सज्जा की दृष्टि से अलग विभाग है, ग्राउंड की व्यवस्था की दृष्टि से अलग विभाग है, रजिस्ट्रेशन अलग है, भोजन व्यवस्था, जल व्यवस्था, स्वच्छता व्यवस्था आदि आदि सभी कार्यों की दृष्टि से, यातायात व्यवस्था, नगर की साज सज्जा व्यवस्था, मंच संचालन व्यवस्था, ऐसे लगभग 250 से अधिक कार्यकर्ता हमारे इस कार्य के अंदर लगे हैं। आईटी और सोशल मीडिया की बड़ी टीम आज रात को पहुंचने वाली है, जो कल सुबह रजिस्ट्रेशन से लेकर के और सोशल मीडिया इस सारे कार्य को देखेगी। आपका फैसला के लिए सोलन से ठाकुर ज्ञान सुमन की रिपोर्ट।